दसवां अध्याय। शिव व्यास जी कहते हैं, शुकदेव, इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीतकर प्रशंसित व्रत वाले महाबुद्धिमान मार्कंड जी पिता के घर गए। वहां भृंगु जी के विशेष आग्रह से धर्म पूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि के अनुसार वेशिरा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात निरामय अर्थात निर्विकार देवेश भगवान नारायण का यज्ञो द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों का और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया। इसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर वहां के श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी मार्कंडेय जी ने अक्षय वट के नीचे तप करने लगे, जिनके कृपा प्रसाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उन्हीं देवाधिदेव के दर्शन की इच्छा से उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक केवल वायु पीकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए वे महान तेजस्वी महाबुद्धिमान मार्कंड जी एक दिन गंधर्व पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान वेणी माधव की आराधना करके उनके सम्मुख सस्त चित से खड़े हो गए और हृदय में उन्हीं शंख चक्र गदाधारी गरुध्वज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंड जी बोले, जो भगवान श्रेष्ठ नर नरसिंह और नरनाथ मनुष्य के स्वामी हैं, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल हैं, तथा चरणामृत असंख्य भूपतियों द्वारा पूजित है, उन पुरातन पुरुष भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संसार के पालक है, शिव समुद्र जिनका निवास स्थान है, जो हाथ में शारंग धनुष धारण किए रहते हैं, मुनि वृंद जिनकी वंदना करते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं, उन सर्व समर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजोमय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अजन्मा सबके वर्णीय जन समुदाय के दुखों का नाश करने वाले गुरु पुराण पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी है, सहस्त्रों सूर्यों के समान जिनकी कांति है, तथा जो अच्युत स्वरूप है, उन आदि माधव भगवान विष्णु को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं, सबकी परम गति है, भूमि लोक और प्रजाओं के पति है, पर अर्थात कारणों के भी परम कारण है, तथा तीनों लोगों के कर्मों के साक्षी है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में शिव समुद्र के भीतर अनंत नामक शेष नाग के शरीर रूपी सैया पर सोए थे, शिर सिंधु की तरंगों के जल कर्णों से अभिषिक्त होने वाले उन लक्ष्मी निवास भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने नरसिंह स्वरूप धारण किया है, जो महान देवता है, मूर दैत्य के शत्रु है, मधु तथा कैटभ नामक दैत्यों का अंत करने वाले हैं और समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाले एवं हिरण्यगर्भ है, उन भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो अनंत अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित है, तथा योगेश्वर गण जिनके चरणों में सदा ही मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं भक्ति पूर्वक निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो आनंदमय एक अद्वितीय रजोगुण से रहित ज्ञान स्वरूप वृंदा यानी लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित है, जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि से क्षय से शून्य है, उन भक्त प्रिय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं, वत्स, इस प्रकार स्तुति समाप्त होने पर उस तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग मार्कंड जी से आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, क्यों क्लेश उठा रहे हो? तुम्हें जो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है, वो अभी तक जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते। उनके यूं कहने पर महामती मार्कंड जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया, परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा, जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, वो कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप बतलाइए। आप जो भी हो, आपको नमस्कार है। आकाशवाणी ने कहा, विपिनेन्द्र सुवर, इस स्रोत से प्रभु और नारायण का स्तवन करो और किसी उपाय से तुम्हें समस्त तीर्थों का फल नहीं प्राप्त होगा। मार्कंड जी बोले, भगवान,
जिसका तप करने से तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वह तीर्थ फलदायक स्तोत्र कौन सा है, उसे ही मुझे बताइए। आकाशवाणी ने कहा, देवदेव, माधव, केशव, आपकी जय हो, जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। गोविंद गोपते, आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाम वैकुंठ वामन, आपकी जय हो, जय हो। जय हो पद्म स्वरूप ऋषिकेश, आपकी जय हो। दामोदर अच्युत, आपकी जय हो। लक्ष्मीपति अनंत, आपकी जय हो। लोक गुरु, आपकी जय हो, जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह, आपकी जय हो, जय हो। यज्ञेश्वर, पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाले वाराह, आपकी जय हो, जय हो। योग के ईश्वर, ज्ञाता और प्रवर्तक, आपकी जय हो, जय हो। योग और धर्म के प्रवर्तक, आपकी जय हो, जय हो। कर्म प्रिय यज्ञेश्वर अज्ञान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने उन्हें सम्मान देने वाले देवता, आपकी जय हो। और नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। पुण्यवानों के आश्रम, वैदिक वाणी के चरम, तात्पर्य भूत एवं वेदोक्त कर्मों के परम आश्रय नारायण, आपकी जय हो, जय हो। चतुर्भुज, आपकी जय हो। दैत्यों को भय देने वाले श्री देव, आपकी जय हो, जय हो। सर्वज्ञ सर्वात्मन, आपकी जय हो। सनातन देव कल्याणकारी भगवान, आपकी जय हो, जय हो। महादेव विष्णु अधोजक्ष देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। शिवाय जी कहते हैं, शुभदेव, आकाशवाणी के कथनानुसार जब बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने इस प्रकार भगवान लोक का कीर्तन किया, तब पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन वहां प्रकट हो गए। वे सनातन भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र और गदा लिए समस्त आभूषणों से भूषित हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। भृगुवंश को आनंदित करने वाले मार्कंड जी ने भगवान को, जिनका दर्शन चिरकाल से प्रथित था, सहसा सामने प्रकट हुआ देख भक्ति विवश हो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। भूमि पर गिर गिर कर बारम्बार साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो महामना मार्कंडेय दोनों हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हुए भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। मार्कंड जी बोले, महामना, महाकाय, महामते, महादेव, महायशस्वी देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा तथा रुद्र निरंतर आपके युगल चरणारविंदों की अर्चना करते हैं। आपके हाथ में शोभाशाली कमल सुशोभित होता है। आपने दैत्यों के शरीरों को मसल डाला है, आपको नमस्कार है। आप अनंत नाम से विख्यात शेषनाग के शरीर की शैया को अपने संपूर्ण अंग समर्पित कर देते हैं, उसी पर शयन करते हैं। सनत, सनातन और सनत कुमार आदि योग जन अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर स्थिर करके नित्य निरंतर जिस मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं, वह आप ही हैं। गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और किम पुरुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य सुयश का गायन करते हैं। नरसिंह, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, गिरिराज, गोवर्धन की कंदरा में क्रीड़ा विश्राम आदि के लिए निवास करने वाले योगेश्वर, देवेश्वर, जलेश्वर और महेश्वर, आपको नमस्कार है। योगधर, महामायाधर, विद्याधर, यशोधर, कीर्तिधर तत्वादि तीनों गुणों के आश्रय त्रितत्वधारी तथा ग्राह्य पतादि तीनों अग्नियों को धारण करने वाले देव, आपको प्रणाम है। आप ऋग, सांग, यजुर इन तीनों वेदों के परम प्रतिपाद्य त्रिनिकेतन तीनों लोगों के आश्रय त्रिसुपर्ण मंत्र रूप और त्रितंडधारी है, ऐसे आपको प्रणाम है। सिग्न मेघ की आभा के सदृश सुंदर श्याम कांति से सुशोभित पीताम्बरधारी किरीट, वलय, केयूर और हारों में जटित मणि रत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले नारायण देव, आपको नमस्कार है। सुवर्ण और मणियों से बने हुए कुंडलों द्वारा अलंकृत कपालों वाले इस मधुसूदन विश्व मूर्ति, आपको प्रणाम है। लोकनाथ, यज्ञेश्वर, यज्ञ प्रिय तेजोमय भक्ति प्रिय वासुदेव पापहारी आराध्य देव पुरुषोत्तम
आपको नमस्कार है। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तवन सुनकर देव देव भगवान जनार्दन ने प्रसन्न चित होकर मार्कंड जी से कहा। श्री भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हारे महान तप और फिर स्तोत्र पाठ से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाबुद्धे, इस समय तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है। विपेंद्र, मैं तुम्हारे सम्मुख वर देने के लिए उपस्थित हूँ, वर मांगो। ब्राह्मण, जिसने तप नहीं किया है ऐसा कोई भी मनुष्य अनायास ही मेरा दर्शन नहीं पा सकता। मार्कंड जी बोले, देवेश्वर, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। जगतपति, अब तो मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति ही दीजिए। माधव, श्रीपति, ऋषिकेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे चिरकालिक आयुष्य दीजिए, जिससे मैं चिरकाल तक आपकी आराधना कर सकूं। श्री भगवान बोले, मृत्यु को तो तुम पहले ही जीत चुके हो, अब चिरकालिक आयुष्य भी तुम्हें प्राप्त हुई, साथ ही मेरी मुक्ति दायनी अविचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो। महाभाग, यह तीर्थ आज से तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। अब पुनः तुम शिर समुद्र में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए मेरा दर्शन पाओगे। श्री व्यास जी बोले, यूं कहकर कमल लोचन भगवान विष्णु वही अदृश्य हो गए। धर्मात्मा, साधु शिरोमणि, तपोधन, मार्कंड जी भी शुद्ध स्वरूप देव देवेश्वर मधुसूदन का ध्यान, पूजन, जप और नमस्कार करते हुए वही रहकर मुनियों को पवित्र वेद शास्त्र, अखिल पुराण, विविध प्रकार की गाथाएं, पावन इतिहास और पृथ्वी तत्व भी सुनाने लगे। तदनंतर किसी भी समय भगवान पुरुषोत्तम के कहे हुए वचनों को स्मरण कर वे शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ उग्र तेजस्वी मुनि उन सुरेश्वर भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए घूमते हुए समुद्र की ओर चले। हृदय में भगवान की भक्ति धारण किए चिरकाल तक परिश्रम पूर्वक चलते चलते शिव सागर में पहुंचकर उन भृंग के पौत्र ने नागराज के शरीर रूपी पर्यंग पर निद्रामग्न हुए सुरेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन किया।